एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए, ये है एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की, एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। ठीक है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। वो बोल रहे हैं डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है, मुझे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। ये है। अब अगर दोनों तरफ मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, देखिएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x, इसका भी डी बाई डी एक्स और इसका भी डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ हमें डिफरेंशिएट करना है। अब जरा देखें, ये वाला जो फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका भी होगा। तो इस वाले फंक्शन को आप मान लीजिए यू और इस वाले को आप मान लीजिए वी। से मतलब ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने माना। तो अब मैं इसको यू मान लिया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, तो डी वी बाई डी एक्स। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिएगा कि अब मुझे डी यू बाई डी एक्स अलग निकालना है, डी वी बाई डी एक्स अलग निकालना है। तो मैं ये करूंगा, देखूंगा यू इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स। जब भी हमारे पास पावर में एक्स वाली टर्म आ जाती है तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना ही पड़ता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि पावर में एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। पहला काम हमारा यही है, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये हो गया लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स। तो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में जो भी होता है वो फ्रंट में आ जाता है। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मैं कहूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो जब लॉग यू को डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स।
ठीक है, तो लॉग यू का डिफरेंशियल सबसे पहले देखेंगे। लॉग यू हो या लॉग के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, डिफरेंशिएशन क्या करता है, वो उस चीज को डिनोमिनेटर में ले आता है। तो लॉग यू का डिफरेंशियल, जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, ऐसे ही लॉग यू का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/u, 1/u मल्टीप्लाइड बाई, फिर यू को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यू का क्या हो जाएगा, du/dx, है ना, और इज इक्वल टू फिर एक्स और लॉग एक्स कॉस एक्स, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ एक्स। बताइए बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? इतना तक यस सर। सभी को क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। तो 1/u du/dx इज इक्वल टू, अब एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज, और जब मैं लॉग एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल करूंगा तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होगा, ये जो एक्स कॉस एक्स वाली टर्म है इसको ये डिनोमिनेटर में ले आएगा। भाई जब लॉग का डिफरेंशियल करते हैं तो लॉग के आगे जो भी टर्म लिखी रहती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 1/x cos x। सबसे पहला काम तो ये हुआ, ठीक है। और ये करने के बाद में फिर लॉग, एक तो फंक्शन लॉग हो गया, फिर अंदर एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसका भी तो डिफरेंशियल होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अच्छा जी, फिर प्लस log x cos x, ये कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ x, जब x का डिफरेंशियल करते हैं तो वो तो 1 आ जाता है सिर्फ। चलिए फिर अगला स्टेप देखें, 1/u du/dx इज इक्वल टू, यहाँ इस x से ही x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/cos x मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ x cos x। इसका मतलब क्या, आप ये देखें कि यहाँ पर जब मैं d/dx करूंगा x cos x का, तो एक फंक्शन x है और एक फंक्शन cos x है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करें कि x एज इट इज और d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज और d/dx ऑफ x, ठीक है, ये कर दिया, ये मैंने किसका करा, d/dx ऑफ x cos x, और अगला वाला ये हो ही चुका है, तो प्लस log x cos x, प्लस log x cos x, ये हो ही चुका है, ठीक। फिर अगला स्टेप देखते हैं, यहां पर लिखूंगा 1/u du/dx इज इक्वल टू 1/cos x मल्टीप्लाइड बाई एक्स एज इट इज, और जब d/dx जब डिफरेंशियल करेंगे cos x का तो वो हो जाएगा -sin x, -sin x हो गया, प्लस cos x एज इट इज, और जब d/dx करेंगे x का तो ये हो गया 1, ब्रैकेट बंद, और प्लस log x cos x, प्लस log x cos x, ये हो गया। अब 1/u में u को उधर ले जाओ, du/dx u इधर आ गया, इंटू 1/cos x, और ब्रैकेट में x इंटू -sin x क्या हो गया, -x sin x प्लस cos x, ब्रैकेट बंद, और प्लस log x cos x, ठीक है, और इसको देखिए, अब u की वैल्यू डालनी है बस यहां पर, और कुछ नहीं, बाकी सब तो हो चुका। du/dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या थी, x cos x की पावर x, तो x cos x की पावर x और अपॉन में cos x है, cos x, और
ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का लॉग एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक है जी, इसको बोल दीजिए ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करूंगा डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो हम कहेंगे वी इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। जब भी पावर में एक्स वाली टर्म आती है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमको करना ही होता है, तो दोनों तरफ हमें लॉग लेना पड़ेगा। बेटा ये डी यू बाई डी एक्स सभी को क्लियर है कि नहीं बता दीजिए। आर्ष, अभिनव, ऐश्वर्या, अक्षत, अनुवा, कमल, यस सर, श्रुति, कनिष्का, यस सर, दृष्टि, यस सर, आर्यन दिग्गल, यस सर, सभी को क्लियर है? आर्यन दाइमा, आर्यन त्यागी, चलें आगे। यस सर, चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब इसमें देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर भी फिर वही काम करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग, जब लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स साइन एक्स की होल पावर 1/x। अब लॉग के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में जो टर्म होती है वो फ्रंट में आ जाती है, तो लॉग वी इज इक्वल टू 1/x लॉग एक्स साइन एक्स, ये जो 1/x है ये फ्रंट में आ गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूं अब, देखेंगे कि इसमें अब लॉग वी का जब डिफरेंशियल करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x लॉग एक्स साइन एक्स, ये हो गया। अच्छा, ये करने के बाद में फिर आप देखिए जैसे लॉग वी है तो लॉग वी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/v, फिर वी का डिफरेंशियल क्या होगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक टर्म तो हो गई 1/x और एक टर्म हो गई लॉग एक्स साइन एक्स। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले आप ये कहें कि 1/x तो एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स, ये हो गया। प्लस अब क्या करें, लॉग एक्स साइन एक्स एज इट इज और मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये हो गया। तो 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/x एज इट इज, और जब लॉग एक्स साइन एक्स, जब लॉग का डिफरेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x sin x और फिर फर्दर ये जो एक्स साइन एक्स है इसका भी तो डी बाई डी एक्स होगा, तो इसको लिखेंगे हम मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर इधर देखिए प्लस का लॉग एक्स साइन एक्स और मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। जब 1/x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x2। -1/x2 तो अब 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन गया 1/x2 sin x। और जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए
प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल को मैं बार बार लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, पहले एक्स को एज इट इज छोड़ूंगा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करूंगा। तो या चलिए लिख देते हैं कहीं कंफ्यूजन ना हो, कि पहले एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस फिर साइन एक्स एज इट इज और मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। फिर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बोलेंगे माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है। और ये माइनस आ गया ना, ये प्लस और माइनस को माइनस हो गया, और अपॉन में आ गया, पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। बेटा किसी बच्चे को कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो प्लीज बीच में ही दोबारा मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, थोड़े इसमें स्टेप्स लंबे हैं, क्वेश्चन जो जो सॉल्यूशंस हैं इसमें थोड़े थोड़े लंबे हैं, तो जिस स्टेप में प्रॉब्लम आए प्लीज बीच में ही मेरे से पूछ लीजिएगा आप लोग। देखिएगा आगे चलता हूँ अब मैं, वन अपॉन वी डीवी बाई डी एक्स, तो वन अपॉन वी है तो वी तो इधर आ जाएगा अब, तो डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी उधर आ गया, वी वी ऊपर आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि ये हो गया, अच्छा एक चीज का इधर ध्यान देना था हमको कि ये जो अपॉन में मतलब ये जो यू है ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिर्फ मैंने इसमें कर दिया, ये एक्चुअली पूरे में हो रहा है मल्टीप्लाई। तो इसको एक काम करना, डी यू बाई डी एक्स को ठीक कर लेना, ये जो अपॉन में कॉस एक्स है ये तो यहाँ ले जाओ और यहाँ बस एक ब्रैकेट लगा दो ऐसे कि एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स, यू जो है ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही जो वी को मैं लेकर आऊंगा ये इस वाले टर्म में भी, पहले टर्म में भी और दूसरे में, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ जो अपॉन में कॉस एक्स लिखा था इसको तो इसके अपॉन में लिख दो और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बस ये काम करना है आपको, ठीक। अब आगे देखेंगे, ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, वी यहां पर आ गया, ये ब्रैकेट लगाइए एक, ये एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया वन, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। और माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक। और अब इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं देखूं तो मैं इस एक्स स्क्वायर साइन एक्स को अंदर ले जा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि इसको अंदर ले जाते हैं, और ये जो वी है वी की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, मैं इस तरफ कर देता हूं इसको, देखिएगा। चलिए देखिए जरा मैंने क्या करा, ये जो v है v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू थी x साइन x की पावर वन अपॉन x, तो dv बाई dx हो गया x साइन x की पावर वन अपॉन x, ये तो हो गया हमारा v। फिर ये जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, एक बार ये इस टर्म को डिवाइड करेगा एक बार इसको डिवाइड करेगा, तो एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है सभी को। यस सर, एक मिनट, हाँ अब देखते हैं, अब ब्रैकेट में एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, फिर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक टर्म तो ये हो गई, दिस प्लस दिस, फिर माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर,
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो कॉट एक्स हो गया, तो इसको मैं लिखूंगा कॉट एक्स अपॉन एक्स, यहाँ साइन एक्स है साइन एक्स कट गया, तो प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया डीवी बाई डी एक्स। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो ये दो वैल्यूज मेरे को सिर्फ और सिर्फ लिखनी है यहाँ पर, डी यू बाई डी एक्स की ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, डी वी बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ चुकी है, तो दोनों को बस आपको लिखना है। मैं छोड़ दूँ इसको यहाँ तक, बताइए क्लियर है? ठीक है जी, यस सर, चलिए जी ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया है तो फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिएगा। सर हाँ जी बताइए। हमने से डीवी बाय डीएक्स में कॉटेक्स में कन्वर्ट किया, हम वैसे डीयू बाय डीएक्स में टैन एक्स में कर सकते थे ना? हाँ इसको भी कर सकते हैं हम ना इसको स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स कॉट एक्स एक्स टेन एक्स हो जाएगा सॉरी, और कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वो बन हो जाएगा, तो वो भी करा जा सकता है, करा जा सकता है, सिंप्लीफाई करा जा सकता है। ठीक है ओके सर, ठीक, बस बेसिक आइडिया बता दीजिए कि डी यू बाई डी एक्स अलग निकाल लिया, डी वी बाई डी एक्स अलग निकाल लिया, फाइनली दोनों को ऐड कर लिया, वो सबको क्लियर है ना? हाँ यस सर, ठीक है। चलिए जी उसके बाद मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल हम कर चुके हैं, 13 भी छोड़ रहा हूँ वो भी बिल्कुल 12 के जैसा है, 14 मैं करवाता हूँ आपको, इसमें 14 करवाऊंगा देन मैं आपको 16 करवाऊंगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मैं ये बीच वाला पोर्शन या पूरा क्वेश्चन मिटा दूं अगर नोट कर लिया है तो बताइए, या चलिए यस सर, इधर से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा क्या करना है मुझे, ये दे रखा है कॉस एक्स की होल पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई की होल पावर एक्स, कॉस एक्स की होल पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई की होल पावर एक्स, ये दे रखा है। अब जब मुझे डिफरेंशिएट करना होगा तो दोनों तरफ ही करना होगा, मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर इन्होंने 14 में डी वाई बाई डी एक्स मेरे को निकालना है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब वाई भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, और वाई भी वेरिएबल और एक्स भी वेरिएबल जब होता है तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि वाई भी यहाँ पावर में आ रहा है इधर एक्स पावर में आ रहा है, तो जब पावर में आती है ना वेरिएबल वाली टर्म तो मुझे क्या करना होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, तो टेकिंग लॉग तो ये हो गया, दोनों तरफ लॉग लूंगा तो बेटा ये हो गया लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। ठीक है, यहां पर आप ये समझिएगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि यहां पर मैंने ऐसा क्यों नहीं करा कि एक फंक्शन को पहले यू मान लिया और दूसरे फंक्शन को मैंने वी मान लिया, याद रखिए वो यू और वी सिर्फ तभी माना जाता है जब आपके दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस ना ऐड हो रहे हो आपस में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस तो हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं, तो इधर भी लॉग ले लूंगा इधर भी लॉग ले लूंगा तो मेरी इक्वेशन ना पहले से ही बैलेंस रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कभी ऐसा दे रखा होता है मेरे को कि इधर दे रखा हो कोई ऐसा टर्म जिसमें पावर में वेरिएबल वाली टर्म आ रही हो, जैसे वेरिएबल वाली टर्म क्या है वाई, वेरिएबल वाली टर्म क्या है एक्स, तो दोनों में देख रहा हूँ पावर में वाई या पावर में एक्स है, तो दोनों तरफ लॉग लेना यहाँ पर हमारे लिए कंफर्टेबल है। हाँ अगर दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आपस में ऐड हो रहे होते तो फिर मैं पहले एक को यू मानता फिर दूसरे को वी मानता और फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके और फिर दोनों को ऐड कर देता। अब आप ये कहें कि नहीं मैं इसमें भी यू और इसमें वी मानकर करूंगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यू मानो
और यहां से आप वैल्यू निकालो उसको, डी यू बाई डी एक्स निकालो और इसको वी मानो और डीवी बाई डी एक्स निकालो और दोनों को इक्वल रख दो, और फिर फाइनली आपको डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म अलग करनी होगी बस, क्योंकि वो मुझे कैलकुलेट करना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जब इक्वल दे रखा है तो इसी में आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो लॉग कॉस एक्स की होल पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की होल पावर एक्स, ये हो गया। अब मैं इधर कर रहा हूं, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, जब लॉग के आगे कोई टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में कुछ होता है तो वो फ्रंट में आ जाता है। तो इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा वाई जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, वाई लॉग कॉस एक्स, वाई लॉग कॉस एक्स ये हो गया इज इक्वल टू, यहां पावर में एक्स है ये फ्रंट में आ जाएगा, एक्स लॉग कॉस वाई। एक्स लॉग कॉस वाई डिफरेंशिएट कर दीजिए अब दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ तो आप देखो इधर वाई और लॉग कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर एक्स और लॉग कॉस वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग कॉस वाई, ये ब्रैकेट बंद। अब पहले y को एज इट इज छोड़ो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को एज इट इज छोड़ो और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले एक्स को एज इट इज छोड़ो और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस वाई प्लस फिर लॉग कॉस वाई को एज इट इज छोड़ो और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक, अब करिए इसको आगे। अब वाई एज इट इज है यहां पर, इधर वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स, जब लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वन अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखिए मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वो आप लोग अब इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि वो बार बार दिखाने की जरूरत भी नहीं है हमको चेन रूल के लिए। अब आगे मैं देखूंगा कि प्लस लॉग कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू ये एक्स है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस वाई, जब लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा वन अपॉन कॉस वाई, फिर जब कॉस वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और फिर जब वाई का करेंगे डिफरेंशियल तो बेटा वो हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहां पर क्योंकि तीन फंक्शंस थे, पहला फंक्शन क्या था लॉग, तो लॉग का क्या होता है डिफरेंशियल के उसके आगे जो भी लिखा होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो वन अपॉन कॉस वाई हो गया। उसके बाद अगला फंक्शन क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई हो गया, ये हो गया। फिर अगला फंक्शन क्या था वाई, तो वाई का डिफरेंशियल क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स, तो मैंने ये चेन रूल एक साथ ही लगा दिया। बताइए समझ में आ गया, सभी यस सर, को क्लियर है? कनिष्का, ईशान, दृष्टि, हर्ष, अनुभा, बताइए क्लियर यस सर, है? ठीक यस सर, है यस बेटा, सर, ठीक है बेटा। अच्छा अब इसके बाद अगला देखता हूं आगे क्या करना है। अगला देखते हैं कि ये तो इस वाले का हुआ, ठीक है, और प्लस लॉग कॉस वाई एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो वन होता है, तो प्लस लॉग कॉस वाई एज इट इज और मल्टीप्लाई बाई वन, बस वन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो वन होता है,
तो ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, अब देखिए माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाता है टेन एक्स, तो ये हो गया माइनस वाई टेन एक्स, ये हो गया माइनस वाई टेन एक्स। फिर प्लस का लॉग कॉस एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स ये है। फिर आप इधर देखेंगे कि माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन वाई, तो और माइनस का साइन है तो माइनस एक्स टेन वाई, माइनस एक्स टेन वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। उसके बाद log cos x dy by dx minus x sin y dy by dx, तो dy by dx वाली जो टर्म है ना, दो टर्म, एक तो इधर है और एक इधर है, इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ आप। अब मैं इस तरफ कर रहा हूं इसको, तो log cos x dy by dx इधर लिख रहा हूं, log cos x dy by dx, एक तो ये हो गई dy by dx वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑलरेडी थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दिया, और एक ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है इसको भी LHS में ले आओ, तो माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x tan y इंटू डीवाई बाई डी एक्स। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म रखी और जो बाकी टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो इज इक्वल टू एक तो ये लॉग कॉस वाई पहले से ही था तो लिखो लॉग कॉस वाई, और फिर माइनस का वाई टेन एक्स है तो ये उधर जाकर प्लस का वाई टेन एक्स बन जाएगा, प्लस का वाई टेन एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड में इधर भी डीवाई बाई डी एक्स, इधर भी डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लूंगा, मैंने डीवाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है, और इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ये राइट हैंड साइड में है तो ये डीवाई बाई डी एक्स के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारा डीवाई बाई डी एक्स हो गया लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये इसका आंसर है बेटा, बताइए सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अब इसी तरीके से थोड़ा सा जो इसमें एक तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 से हमें एक चीज समझ में आ जाएगी कि जब कभी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ पर जो चार अलग अलग फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके दिखा रखे हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा अलग टाइप का है बाकी क्वेश्चन से, कि इसमें हम ये देखेंगे कि जब चार अलग अलग फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चार हो, पांच हो, छह हो या दस हो, कितने भी फंक्शंस हो, तो जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसमें अगर मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर लेता हूँ तो वो क्वेश्चन मेरा कंपेरेटिवली आसान बन जाता है। देखिएगा किस तरीके से, अभी इसमें इन्होंने हमें यह दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8,
एक दो तीन चार, ये चार फंक्शंस हैं हमारे पास। और एक चीज और हमें मालूम है, कि अगर कहीं पर भी फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा होता है, यानी कि एफ एक्स अगर कहीं पर भी दे रखा होता है, तो उस एफ एक्स को मैं मान लेता हूँ वाई, उसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ करेंगे, ये एफ एक्स जो है ये हो गया वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वन प्लस एक्स की पावर 8। अब जब ये इतना सारा दे रखा है, एक दो तीन चार, जो इस तरीके की चेन दे रखी होती है, तो इसमें हमें लॉग ले लेना होता है। तो मैं कहूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वन प्लस एक्स की पावर 8 और ब्रैकेट बंद। ये हो गया। अब ये पूरा मिटा रहा हूं, अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें। मुझे ये मालूम है कि लॉग ए इंटू बी अगर होता है तो मैं उसको कह देता हूं लॉग ए प्लस लॉग बी। ऐसे ही अगर तीन टर्म्स हो जाए, मान लो कि लॉग ए इंटू बी इंटू सी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर एक दो तीन चार टर्म्स हैं, तो ये जो चारों टर्म्स हैं, ये ब्रैकेट लॉग के आगे जो ब्रैकेट है उसमें ये चारों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो अलग अलग लॉग में आकर ये ऐड हो जाएंगी। कैसे देखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा लॉग वाई, दिखाई दे रहा बेटा, अच्छा लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर 8। ये हो गई चार टर्म्स। अब क्या करें, अब डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ, पहले लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई क्या हो गया, वन अपॉन वाई, इसका डिफरेंशियल मैं सीधा डिफरेंशियल कर रहा हूँ वन अपॉन वाई, और फिर वाई का डिफरेंशियल क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। जब डी बाई डी एक्स जब डिफरेंशियल करेंगे लॉग वन प्लस एक्स का, तो लॉग का तो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, और फिर वन प्लस एक्स का डिफरेंशियल, तो वन का डिफरेंशियल 0 और एक्स का डिफरेंशियल 1। समझ में आ रहा है, ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं ले लिया मैंने। देखिए मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो जब मैंने लॉग वाई का डिफरेंशियल करा, लॉग वाई का जब डिफरेंशियल करा तो वन अपॉन वाई हो गया, और फिर वाई का डिफरेंशियल करा तो वो हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। जब लॉग वन प्लस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो लॉग है तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स का फर्दर डिफरेंशियल क्या होगा, वन का डिफरेंशियल तो हो जाएगा 0 प्लस एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। समझ रहे हैं सभी बच्चे, बताइए यस सर सर ठीक यस है, सर क्लियर यस है सर अभिनव? हाँ अभिनव समझ रहे हो, यस सर ठीक है। ईशान क्लियर है, यस सर चलिए जी। और फिर अगला देखेंगे इसी तरीके से, प्लस जैसे लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का तो हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। प्लस इसी तरीके से लॉग वन प्लस एक्स की पावर 4, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, और इंटू वन का डिफरेंशियल 0 और एक्स की पावर 4 का हो गया 3x स्क्वायर, सॉरी 4x
फोर एक्स की पावर थ्री, ये हो गया। फिर अगला अगला देखेंगे तो ये हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, वन का डिफरेंशियल जीरो और एक्स की पावर एट का क्या हो गया एट एक्स की पावर सेवन, ये हो गया। अब देखिएगा, अब मुझे यहां पर क्या करना है, वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स, वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस वन यानी कि वन, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स। चलो अगला प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है। प्लस अगला फोर एक्स की पावर थ्री अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, ठीक है, इतना हो गया। और प्लस अगला इधर लिखता हूं नीचे एट एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, ये हो गया। अब क्या करें, अब ये जो y है यहाँ डिनोमिनेटर में, ये इधर जाकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, तो ये हो गया dy by dx is equal to, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की वैल्यू ये है 1 plus x, 1 plus x square, 1 plus x की पावर 4, ये सब कुछ y मल्टीप्लाइड by 1 upon 1 plus x plus 2x upon 1 plus x square plus 4x cube upon 1 plus x की पावर 4 plus 8x की पावर 7 upon 1 plus x की पावर 8, ठीक है जी। यहां पर y की वैल्यू और डाल दो, और ये जो dy by dx है ये क्या है भाई, y का डिफरेंशियल dy by dx है, इसको मैं f dash x भी बोल सकता हूं, तो इसको बोल दीजिए f dash x, तो f dash x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू डालो यहां पर, y की वैल्यू ये है पूरी की पूरी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये पूरा ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये ब्रैकेट बंद, ये मेरे पास f डैश x आ गया। और इन्होंने इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो जब fx दे रखा है तो fx का डेरिवेटिव कहलाएगा f डैश x। फिर इन्होंने बोला hence find f डैश वन, f डैश वन कैसे निकाला जाएगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल दीजिए f डैश वन, तो f डैश वन क्या हो जाएगा देखिए आप लोग, f डैश वन हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 8 अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 8। अब आप इसको करेंगे अगर मल्टीप्लाई, 1 प्लस 1 हो गया 2, ये भी 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2, ये भी 1 प्लस 1 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2
प्लस 8/2, 1, 2 2s are 4, 2 4s are 8, तो ये आएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 2s are 14, 14 प्लस 1 15, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 15/2, तो 2 8s are 16, 15 8s are 120, तो ये वैल्यू आ गई 120। बताइए जी, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये जो 5.5 आपकी एक्सरसाइज है, इसमें जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो आप कंप्लीट करिए। दूसरा एक चीज मेरे को बताइए कि मैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का आपका टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, तो वो टेस्ट कल रखूँ या परसों रखूँ, ये बता दीजिए। अच्छा, एक चीज और साथ में बता देता हूँ कि परसों आपकी एक, परसों संडे है, लेकिन परसों आपकी मैथ्स की एक क्लास में रखूंगा, ठीक है? तो परसों एक तो मैथ्स की क्लास होगी ही, साथ में एक आपका मैथ्स का टेस्ट या तो मैं कल रखूंगा या फिर परसों रखूंगा, तो आप बता दीजिए किस दिन कंफर्टेबल है। सर कल। सर कल। कल कर दे। हाँ जी सर, कल ही ले लो। ठीक है, मैं कल ले लेता हूँ टेस्ट, और कल आपका टेस्ट जो है वो मैं रखूंगा मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में 2 बजे या 2:30, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ईशान बता दीजिए। यस सर। ठीक है, और दूसरा एक चीज और है कि जो मुझे थोड़ा बहुत जो जानकारी हुई है, इधर उधर से पता चला है, वो ये पता चला है कि शायद आप लोगों के स्कूल तो शायद 15 जुलाई या फिर जुलाई के एंड से खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स का नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक आने वाला है, तो अगर कोचिंग सेंटर्स खुले तो मैं लगभग लगभग आप समझ लीजिए एक हफ्ते बाद, मतलब आज ये वाला जो वीक है, आप ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए कि एक वीक और लगेगा, एक वीक बाद मैं आपका ऑफलाइन कर दूंगा, लेकिन ऑनलाइन जो है वो भी साथ साथ चालू रहेगा, जैसा कि हमने, आपने देखा भी होगा, जैसा हम अप्रैल में कर रहे थे कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों साथ साथ चल रहे थे, उसमें जो बच्चा आना चाहे ऑफलाइन वो आ सकता है, और जो ऑफलाइन, जो ऑनलाइन रहना चाहे वो ऑनलाइन ले सकता है क्लास, ठीक है? तो ये मैं करूंगा, तो पहली चीज तो ये दिमाग में रख लीजिएगा कि एक हफ्ते बाद पहले मैं नोटिस का वेट कर रहा हूँ, और नोटिस मोस्ट प्रोबेबली जहां से पता चला है ठीक ही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि जहां तक है कोचिंग सेंटर्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक? क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि जिम्स को मिल गया, स्पास को मिल गया, ये सारी चीजें जो है, जब इनको रिलैक्सेशन मिल गया तो कोचिंग सेंटर्स को भी जहां तक है शायद मिल जाएगा नेक्स्ट वीक तक। उसके बाद आपका कल दोपहर में 2 बजे या 2:30 पर मैथ्स का टेस्ट होगा, और परसों के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, परसों आप लोगों की जहां तक है शाम को ही लूंगा क्लास, मॉर्निंग में नहीं, शाम को ही आपकी मैथ्स की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है? चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। चलिए जी सर, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।